हेलो एवरीवन। तो एक डाउट आया एक स्टूडेंट का, तो मैं उस डाउट को आज डिस्कस कर लेता हूँ। और आई थिंक कि इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक होता है कि प्रीमियम हम अगर रिसीव कर रहे हैं इशू डिबेंचर्स के केस में, तो वो टॉपिक में कई बार डाउट ये आ रहता है कि प्रीमियम का अमाउंट हमें इंक्लूडेड बता रखा है या अलग से हमें जो है कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करना है। तो यानी कि कई बार क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वैसे तो प्रीमियम आप जो है किस पॉइंट पे रिसीव करते हो, एप्लीकेशन पे या अलॉटमेंट पे या कॉल मनी पे। तो बेसिकली जनरली आपको अगर कुछ नहीं बता रखा तो आपको प्रीमियम जो भी मिलना है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलना है फेस वैल्यू के बियॉन्ड, तो वो आप कहाँ पे मिलता है आपको? अलॉटमेंट के वक्त, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी कि जो आपको अलॉटमेंट के वक्त बाय डिफॉल्ट जो है प्रीमियम का पैसा मिल जाता है अगर आपने जो है प्रीमियम चार्ज करना है तो, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे डाउट कई बार ही हो जाता है, लैंग्वेज में डाउट आ जाता है। लैंग्वेज में डाउट का मतलब क्या है कि देखो मैं आपको लैंग्वेज बता देता हूँ कि दो तरह की किस तरह की होती है। कि अगर आपको जो है सपोज लिखा है ₹20, सपोज हमारे क्वेश्चन में जो है ₹5 प्रीमियम है, कि मतलब ₹5 फेस वैल्यू के अलावा आप चार्ज कर रहे हो अलग से, ठीक है? तो ₹5 आपकी इनकम हो जाएगी, आपकी यानी कि कंपनी की। तो ₹5 प्रीमियम है। अब दो तरीके हो सकते हैं इस चीज को लिखने के क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं लिखा हो सकता है, पहला केस ये है कि ₹20 आप जो है यानी कि अलॉटमेंट मनी कितना पैसा मंगवा रहे हो, अलॉटमेंट मनी अलॉटमेंट स्टेज पे कितना पैसा मंगवा रहे हो। तो पहला जो है केस ऐसा हो सकता है कि लैंग्वेज ऐसी लिखी हो कि ₹20 अलॉन्ग विद प्रीमियम। तो आज हमारा जो टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन था, उसमें लैंग्वेज यही थी कि अलॉन्ग विद प्रीमियम। अलॉन्ग विद का मतलब होता है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो उसका मतलब है जो टोटल ₹20 आप अलॉटमेंट के स्टेज पे मंगवा रहे हो, टोटल ₹20 मंगवा रहे हो। और क्योंकि प्रीमियम भी आपको कहीं ना कहीं कहाँ पे मिलना है, अलॉटमेंट के वक्त अलॉटमेंट के स्टेज पे ही। और क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है कि ₹20 सब मिला के अलॉन्ग विद प्रीमियम आपको जो है मिलेगा, तो इसमें आपको फेस वैल्यू अलग करनी पड़ेगी। और क्योंकि ₹20 में यानी कि प्रीमियम भी इंक्लूडेड है क्योंकि लिखा है अलॉन्ग विद, और बाकी जो फेस वैल्यू वाला पार्ट होता है वो भी इंक्लूडेड है, तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो ₹20 आप ड्यू करते हो उसको आप लेकिन अपने लाइबिलिटी के तौर पे केवल कितना रिकॉर्ड करते हो डिबेंचर्स अकाउंट में फेस वैल्यू तक, और बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है यानी कि जो प्रीमियम वाला अमाउंट होता है ₹5 इस केस में जैसे, वो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो? अपनी इनकम के तौर पे। कहाँ पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है? सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट का। तो यहाँ पे क्योंकि लिखा है कि ₹20 आपको अलॉटमेंट के वक्त ड्यू करना है, इतने टोटल मिलेंगे मैक्सिमम, तो इसमें आपको लिखा है साथ में कि प्रीमियम अलॉन्ग विद है, इसमें ₹20 इंक्लूडेड ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ₹15 इसका मतलब है क्या है, फेस वैल्यू इसमें है और ₹5 प्रीमियम है, ठीक है? तो आप टोटल ₹20 के हिसाब से ड्यू करोगे और जो है ₹15 के हिसाब से क्रेडिट कर दोगे डिबेंचर्स अकाउंट में, और जो है ₹5 के हिसाब से क्रेडिट कर दोगे कहाँ पे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। अब सुनो ध्यान से, दूसरी लैंग्वेज क्या लिखी हो सकती है कि जो है ये पहली लैंग्वेज थी ए, अब या तो ये होता है या दूसरी लैंग्वेज जो है ये लिखी हो सकती है, उस केस में बिल्कुल ही अलग सही हो जाएगा क्वेश्चन। दूसरे में लिखा हो सकता है कि आप ना अलॉटमेंट के स्टेज पे ₹20 मंगवा रहे हो प्लस प्रीमियम। ध्यान से सुनना, आई थिंक अब आप कंपेयर कर पा रहे होगे कि ये दोनों अलग कैसे हैं। कह रहे हैं कि ₹20 मंगवा रहे हो, बाकी जितना भी प्रीमियम आपको क्वेश्चन ने बताया ना वो भी मंगवा रहे हो, तो इसका मतलब टोटल मंगवा कितना रहे हैं? तो टोटल हम मंगवा रहे हैं कितना, तो आपने क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में यानी कि बताया क्या गया है ₹20 है, कि आपको केवल फेस वैल्यू बताई गई है और उसके अलावा बोला है कि आप प्लस कर लेना इसमें जो भी प्रीमियम का अमाउंट आपने चार्ज करना है। प्रीमियम का अमाउंट कितना चार्ज करना है? ₹5। तो हमने यानी कि कितना चार्ज करना है, टोटल कितना ड्यू करना है अलॉटमेंट के स्टेज में, अगर लैंग्वेज ये लिखी है तो ₹20 ये फेस वैल्यू बता रखा है आपको, और प्लस प्रीमियम यानी कि प्रीमियम आपको अलग से इसमें ऐड करना बाकी है अभी। तो टोटल यानी कि हमें कितना पैसा चाहिए इस स्टेज पे जो ड्यू करेंगे हम? ₹25 में ₹20 फेस वैल्यू है और ₹5 प्रीमियम है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया जो ओवरऑल लैंग्वेज का फर्क होता है, ठीक है? तो इसी पॉइंट पे कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बार आपको जो है क्वेश्चन की तरह जो है दिखाता हूँ कि क्वेश्चन में किस तरह से लिखा होता है। तो यहाँ पे जैसे राज लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसमें कितने डिबेंचर्स हैं। हमें और कोई चीज पे इतना फोकस नहीं करना, हमें बस ये देखना है कि अलॉटमेंट की स्टेज पे जो पैसा है ड्यू किया जा रहा है वो कितना ड्यू किया जा रहा है, उसका कितना कितना पोर्शन डिबेंचर अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डाला जाएगा। यहाँ पे देखो 5,000 डिबेंचर्स हैं, ₹100 फेस वैल्यू है, और हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी कि एक तरह से प्रीमियम हम कितना रिसीव करेंगे, कितना चार्ज कर रहे हैं हम? ₹5। इशू प्राइस टोटल कितना हो जाएगा पर डिबेंचर? ₹100 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम जो आप चार्ज करना चाहते हो, तो टोटल ₹105 इशू प्राइस हो जाएगा। अब इशू ₹105 कैसे रिसीव कर रहे हो आप? तो ₹10 एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हो और बाकी लिखा है, ये लाइन ध्यान से पढ़ना,
लिखा है 20 रुपीज प्लस प्रीमियम आप जो है मंगवा रहे हो अलॉटमेंट पे, यानी कि टोटल कितना पैसा मंगवा रहे होंगे अलॉटमेंट पे हम, 20 रुपीज। और यहाँ पे ये नहीं लिखा कि 20 रुपीज में प्रीमियम इंक्लूडेड है, नहीं, आपको यहाँ पे लिखा है 20 रुपीज और साथ में और क्या मंगवा रहे हो अलॉटमेंट के स्टेज पे, प्रीमियम, यानी कि टोटल आप अलॉटमेंट के वक्त कितना पैसा मंगवा रहे होंगे, 20 रुपए ये फेस वैल्यू बता रखी है और 5 रुपए अलग से प्लस करना है अभी इसमें, बाकी ये प्लस करना क्या प्रीमियम। तो टोटल प्रीमियम अगर हम प्लस कर रहे हैं तो टोटल यानी कि अलॉटमेंट के स्टेज पे आप कितना पैसा मंगवा रहे हो, 25। उसमें से 20 के हिसाब से जाएगा क्रेडिट होगा कहाँ पे, डिबेंचर्स अकाउंट में, और बाकी 5 के हिसाब से क्रेडिट होगा कहाँ पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, तो जो भी टोटल पैसा ड्यू करते हो अलॉटमेंट के स्टेज पे उसका आप डेबिट करते हो, अपने डिटेल्स क्रिएट करते हो किस नाम से, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 25 × 5000 डेबिट करोगे, और क्रेडिट क्या करोगे, डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट करोगे एक तो 20 रुपीज × 5000, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करोगे कितना, 5 रुपीज × 5000, ठीक है। और अगली एंट्री में आप जो है जो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट है वो क्रेडिट करके बंद कर दोगे, और बैंक अकाउंट डेबिट करके ये सारे पैसे जो है वो रिसीव कर लोगे। कितने पैसे रिसीव होंगे, टोटल जो मंगवाए थे, तो 25 रुपीज 500 × करके जो भी अमाउंट आएगा वो आपको बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, यानी कि अगली एंट्री में आपको एक्चुअली ये पेमेंट मिल जाएगी, अगर क्वेश्चन में और कुछ नहीं बता रखा तो, ठीक है। तो आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से लैंग्वेज का फर्क है। लैंग्वेज का फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है अकाउंट्स में, क्योंकि गिवन डेटा को अगर हमने सही से नहीं समझा तभी मैं कहता हूँ कि गिवन डेटा जो है पहले उसको अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन ही अच्छे से पढ़ना एक तरह से आधा सोल्यूशन कर देने जैसा है, क्योंकि अकाउंट्स के क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि कुछ हिडन होता है, सब कुछ दे रखा होता है, बस उसको प्रॉपरली रीड करके गिवन डेटा के तौर पे अपने पहले अपने आप पास लिख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है, उसके बाद आपका कितना भी लंबा क्वेश्चन हो आसान बन जाता है, अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, और भी अगर कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप जो है हमें फोटो भेज सकते हो उन क्वेश्चन की, और हम बहुत जल्द उस पर जो है तो लाइव क्लास लेंगे, या छोटा मोटा ही डाउट होगा तो इस तरह से रिकॉर्डेड वीडियो जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके, तो थैंक यू, आई होप कि आपको ये जो डाउट था आपका डाउट ना रह गया।